नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। नालंदा महाविहार 812 ईस्वी पूर्व। ठंडी भरी रात सरोवर के पूर्व तरफ के छात्रावास में चारों तरफ सन्नाटा था। सभी सो रहे हैं। केवल इतनी रात को नींद छोड़कर बिस्तर पर कोई एक जाग रहा है। इस छात्रावास का सबसे मेधावी भिक्षुक यशभद्र अंधेरे में ही वे बिस्तर को छोड़कर नीचे उतर आया तथा अंदाजे से समझ गया कि पास ही सोए दो सहपाठी श्री गुप्त और सिद्धार्थ गहरी नींद में है। बहुत दिनों के अभ्यास के कारण अंधेरे में ही एक कोने से यशभद्र ने एक छोटी संदूक को खींचकर निकाला और धीरे से उसे खोला। संदूक के अंदर एक शीतल हल्का हरा रोशनी निकल रहा है, लेकिन वे रोशनी स्थिर नहीं है, उसका अपना स्पंदन है। इसके अलावा उसके अंदर का ताप इतना कम है कि संदूक को खोलते ही पूरे कक्ष में अंदर एक शीतलता फैल गई। कुछ देर बाद कक्ष के अंदर एक जोड़े पैरों के चलने की आवाज सुनाई देने लगी। वे आवाज कक्ष से बाहर की ओर धीरे धीरे खत्म होता गया तथा वे हल्का रोशनी भी अदृश्य हो गया। इसके साथ ही यशभद्र के चेहरे पर एक हंसी खेल उठी थी और वो वहीं पे चुपचाप बैठा रहा। हर रात इसी वक्त इसी तरह बैठकर वे किसी अनहोनी की प्रतीक्षा करता है। कुछ समय बाद फिर से स्पष्ट रूप से चलने की आवाज सुनाई दी। इस बार मानो कोई बाहर से लौट रहा हो। पहले ऐसा था कि कोई अंदर से बाहर जा रहा है, अब ऐसा कि कोई बाहर से अंदर आ रहा है। यशभद्र ने फिर से संदूक को खोल दिया। तुरंत ही हवा के रूप में कुछ उस संदूक के अंदर चला गया। एक शीतल हवा का झोंका और वही हल्का हरा रोशनी एक बार जलकर धीरे धीरे संदूक में मिल गया। पहले ही तरह संदूक को बंद कर पीछे घूमते ही यशभद्र चौंक गया। दो दीपक हाथ में लेकर उसके दोनों तरह दो काला परछाई खड़े थे। दोनों परछाई को पहचानने में उसे असुविधा नहीं हुई। सिद्धार्थ की आवाज सुनाई दी, इतनी रात को क्या कर रहे थे बंते? बंते बौद्ध धर्म में आदर सूचक शब्द है। उस संदूक के अंदर क्या है? अब श्री गुप्त ने प्रश्न किया। यशभद्र ने कुछ भी छुपाने और झूठ बोलने की कोशिश नहीं की। वे समझ गया कि इन दोनों ने छुपकर सब कुछ देख लिया है और वे पकड़ा गया है। इतने दिनों बाद आखिर ऐसा हो ही गया। इस ठंडी की रात में बाहर चलते तेज ठंडी हवा के बावजूद मठाधीश को अपना कक्ष छोड़कर बाहर निकलना पड़ा है। लंबे गली नुमा आंगन से वो बिना कुछ बोले चलते जा रहे हैं तथा उनके आगे पीछे दीपक हाथ में लेकर दो अंगरक्षक चल रहे हैं। इतनी रात को मठाधीश बाहर नहीं निकलते, लेकिन कुछ देर पहले ही आचार्य सूर्यवज्र और स्वयं विहारपाल ने आकर निवेदन किया है कि एक बार के लिए वे पूर्व तरफ वाले छात्रावास में आए। वहां पर बहुत ही बड़ी घटना हुई है। नालंदा महाविहार के अध्यक्ष पद्मदेव ने उस ठंडी की रात में अपने शरीर में से एक कंपन महसूस किया है। उनके मन के कोने में कुछ दीपा शिखा की तरह अस्थिर है। बोध शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान पीठ इस महाविहार में पिछले कुछ दिनों से यहां धारावाहिक घटनाएं हो रही है, जिसके कारण विहार की छवि को नुकसान हो रहा है। दिन में सब कुछ ठीक, लेकिन अंधेरा होते ही इस विहार में मृत्यु दस्तक देती है। पिछले कुछ दिनों से पूर्व तरफ के उस छात्रावास में प्रति रात को एक छात्र की मृत शरीर मिल रहा है। मृत शरीर छात्र के आवास कक्ष में नहीं मिल रहा, बाहर विशाल जलाशय के पास या शौचालय के पास या फिर छात्रावास के बाहर बड़े प्रार्थना कक्ष के सामने मृत शरीर मिल रहा है। हत्यारा मानो किसी तरह छात्र को
बहला फुसला कर अपने कक्ष से बाहर ले जाता है। लेकिन ये कैसे संभव है, क्योंकि चार रक्षक इस छात्रावास के बाहर पूरी रात टहलते रहते हैं। इसके अलावा ये सभी मृत्यु कोई साधारण मृत्यु नहीं है, मानो किसी ने उनके शरीर से पूरे खून को चूस कर केवल हड्डी मांस का शरीर फेंक दिया है। इससे भी ज्यादा भयानक बात यह है कि सभी शरीर को मानो किसी मंत्र द्वारा अपने वश में कर लिया है। मृत छात्र का पूरा शरीर किसी पत्थर की तरह सख्त, नीला और बर्फ की तरह ठंडा मिलता है। शायद मौत के अगले दिन ही मासूम भिक्षुक की लाश मिली, लेकिन मौत के कुछ समय बाद ही शरीर की ऐसी अवस्था नहीं हो सकती, मानो उनके शरीर में किसी के कई नागों का जहर डाल दिया। बिना कारण इन अहिंसक बोध भिक्षुओं को कोई इस तरह क्यों हत्या करेगा? और इसके अलावा विहार के अंदर किसी बाहरी का आना भी मना है, इसलिए ये बात साफ है कि विहार के अंदर ही हत्यारा छुपा हुआ है, या फिर छात्रावास के अंदर ही कोई इन सभी हत्याओं का कारण है। क्या छात्रों में कोई है? पिछली कुछ रातों से इन घटनाओं के कारण मठाधीश पद्मदेव चैन से सो नहीं पाए हैं। विहार पाल का भी वही अवस्था है। रात को सुरक्षा और बढ़ाई गई है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रतिदिन सुबह ही विहार पाल से मृत्यु लीला का संदेश मठाधीश के कानों में पहुंच रहा है। छात्रों के लिए यह छात्रावास यानी कि होस्टल कोई भयानक सपने जैसा हो गया, इसलिए कई छात्र विहार को छोड़कर अपने घर लौटना चाहते हैं। परम प्रतापी गुसैल राजा देवपाल के पास ये खबर अभी तक नहीं पहुंची है। अगर ऐसा हुआ तो फिर महाशर्मनाश उपस्थित होगा और राजा देवपाल विहार की ऐसी दुर्गति के लिए किसी को भी माफ नहीं करेंगे। मगध का गर्व नालंदा महाविहार के ऊपर आखिर किसकी बुरी नजर पड़ गई है, यही सवाल सबके भीतर चल रहा है। मठाधीश छात्रावास के तरफ जितना आगे बढ़ रहे हैं, उतना ही उनके मन में हलचल और बढ़ रही है। इस कोहरे में भी वे स्पष्ट देख सकते हैं कि छात्रावास के बाहर आंगन में भिक्षुओं ने भीड़ लगा रखी है। उनके वहां पहुंचते ही भिक्षुओं की भीड़ दो भागों में बट गई और उन्हें अंदर जाने कक्ष में जाने का रास्ता देने लगे, तथा वहां उपस्थित सभी ने उन्हें झुककर अभिवादन किया, सलाम किया, नमस्कार किया। केवल एक ने ऐसा नहीं किया, कक्ष के कोने में वे पहले से ही सिर झुकाकर खड़ा है। अब आचार्य सूर्य वज्र आगे आए और कक्ष के कोने में खड़े मासूम भिक्षुक की ओर इशारा करते हुए बोले, धर्माध्यक्ष, यही वे व्यक्ति है जिसके कारण नालंदा महाविहार की छवि पर कालिख लगी है। इसके कारण ही इस पवित्र ज्ञान पीठ में हत्या लीला चल रही है। यही है वो भिक्षुक यशभद्र। मठाधीश ने स्थिर दृष्टि से आचार्य सूर्य वज्र की ओर देखा। आचार्य, आप ये बात इतना आत्मविश्वास से कैसे कह सकते हैं? आचार्य सूर्य वज्र ने उतने ही शांत आवाज में उत्तर दिया, धर्मनिधि, मैं पूरे प्रमाण को लेकर ही ये बात कर रहा हूं। मेरा संदेश सही था। जब से ये हत्याएं शुरू हुई है, तब से इस भिक्षुक के अंदर बैरे कुछ परिवर्तन होते देखा है। वे प्रार्थना के वक्त प्रार्थना कक्ष में दिखाई नहीं देता, और इनके सहपाठियों ने मुझे आकर बताया कि ये भिक्षुक अपने कक्ष से ही बाहर ही नहीं निकलता है। इसके अलावा भी ये सबसे मेधावी और मिलनसार रूप में परिचित है। अचानक इस बदलाव के कारण ये सबकी संदेह नजर में थे, इसलिए आज मैंने इसके कक्ष के दो सहपाठी को इस पर चुपचाप नजर रखने के लिए कहा था। इसके अलावा मैं स्वयं व विहालपाल रात्रि जागरण कर रहे थे। ये दो भिक्षुक श्री गुप्त व सिद्धार्थ ने मुझे आकर ये सब बताया। धर्मनिधि, इन्होंने क्या देखा है, मैं सब कुछ जानता हूं, एवं आपको भी ये जानना चाहिए। गंभीर होकर गर्दन को सीधा करके मठाधीश पद्मदेव ने सब कुछ सुना। आचार्य सूर्य वज्र की ओर देखकर उन्होंने फिर प्रश्न किया,
लेकिन आचार्य इस घटना से ये कैसे प्रमाणित होता है कि ये भिक्षुक महाविहार में प्रति रात के मृत्यु लीला का कारण है? प्रमाण होगा धर्मनिधि, आचार्य के चेहरे का आत्मविश्वास झलक उठा। आपके सामने ही ये रहस्य खुलेगा, देखिए। थोड़ा पीछे होकर आचार्य सूर्य वज्र द्वारा दो बार ताली बजाते ही तुरंत ही दो अंगरक्षक ने जाकर यश भद्र के पीछे रखा संदूक को खोला। कई सारे कौतूहल चेहरे उस संदूक की ओर झुक पड़े। उन सभी को हटाकर आचार्य सूर्य वज्र ने उस संदूक के अंदर देखा और ना जाने क्या देखकर कांप उठे, और फिर उस संदूक से लाल कपड़े में मुड़ा हुआ ना जाने क्या लेकर मठाधीश के सामने गए। दो अंगरक्षक के हाथ में पकड़े दिए की रोशनी में मठाधीश ने उस वस्तु को चारों तरफ से ध्यान से देखा। इसके बाद आचार्य की ओर देखते ही उन्होंने लगभग कान के पास मुंह ले जाकर धीमी आवाज में बोला, लाकिनी। मठाधीश पद्मदेव आतंक से भयभीत हो गए। फिर उन्होंने खुद को संभाल कर क्रोध नजरों से यश भद्र की ओर देखा। मठाधीश पद्मदेव का परिचय शांत स्थिर स्वयं रूप, लेकिन आज उनके कंठ से क्रोध की ज्वाला फूट पड़ी। किस उद्देश्य से, किस साहस से इस नालंदा महाविहार के बैठकर बनते तुमने इस भयंकर साधना को चुना है? यश भद्र ने कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं की। सिर उठाकर उसने संक्षिप्त उत्तर दिया, प्राज्ञा पारमिता सूत्र। इन तीन अक्षरों को सुनकर कक्ष के अंदर हल्का कोलाहल शुरू हो गया। सूर्य वज्र के साथ ही बाकी आचार्य भी कठोर दृष्टि से यश भद्र की ओर देख रहे हैं। आखिर वे कहना क्या चाहता है? स्वयं मठाधीश भी आश्चर्य हो गए। आचार्य सूर्य वज्र गरज पड़े, मूर्ख, वे क्या चाहने से ही मिल जाएगा? महायान बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र उस पोथी को क्या सभी पढ़ सकते हैं? उस पोथी को पढ़ने से विश्व के सभी ज्ञान के भंडार उस व्यक्ति के अंदर समाहित हो जाते हैं। तुम्हारे अंदर इतना लोभ? यश भद्र ने धीमी आवाज में जवाब दिया, लेकिन आचार्य मेरा ज्ञान की भूख बहुत ही प्रबल हो गई है। इसलिए तो जब से मुझे पता चला कि उत्तर के रत्नोदधि ग्रंथालय में उस दुर्लभ पोथी को रखा गया है, तब से मैं उसे पाने की कोशिश में लगा हुआ। ग्रंथालय के सभी कक्ष को खोजा पर कहीं भी नहीं मिला। आचार्य सूर्य वज्र बोले, तुम्हें क्या लगता है कि इतनी आसानी सभी के लिए देवी प्रज्ञा पारमिता के ज्ञान का भंडार रख दिया जाएगा? आचार्य, इसी कारण से मुझे ये पद चुनना पड़ा। मैं समझ गया कि सभी से छुपाकर वे पोथी रखी गई है और महाविहार के कुछ गिने चुने लोगों के अलावा किसी साधारण मनुष्य के लिए उसे खोज निकालना संभव नहीं है। आचार्य के धैर्य का बांध टूट गया। तो क्या तुम इतनी नीच व भयंकर पथ चुनोगे? वे भी केवल उस पोथी के लिए? आत्म शांति ख्याति व महाविहार की शिक्षा तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है? आप किसे नीच व भयंकर पथ कह रहे हैं? क्या आप तंत्र चर्चा नहीं करते? तथागत गौतम बुद्ध के सिखाए धर्म में आप सभी ने तंत्र मंत्र को लाकर क्या उसे मलिन नहीं कर दिया? यश भद्र के साहस को देखकर कक्ष में उपस्थित सभी की भौं सिकुड़ गया। पास से ही सिद्धार्थ की सावधान वाणी सुनाई दी, बनते एक सिद्धाचार्य के सामने इस प्रकार बात नहीं करते, खुद को शांत कीजिए। आचार्य सूर्य वज्र फिर बोले, हाँ अवश्य ही हम तंत्र चर्चा करते हैं, लेकिन व्यापक रूप से नहीं। वज्रयान के सबसे नमनीय पथ को अवलंबन करके सभी को शांति व संयम का निर्देश देना ही इस महाविहार का उद्देश्य है। तंत्र का कोई क्रिया या उपासना यहां नहीं किया जाता, सब कुछ ही साफ व सरल है। लेकिन तुम याद रहो कि तुमने जिस साधना के पथ को चुना है वे साफ व सरल नहीं है।
मैं इतना जानता हूं कि यह लाकिनी साधना बहुत ही भयानक साधना है। निगम्मा संप्रदाय के तांत्रिक आचार्य इस प्रकार के साधनाओं को करते हैं। भयानक उपचार द्वारा एक काल तक इनकी साधना करनी होती है और उस काल में प्रति रात लाकिनी को एक ताजा प्राण की जरूरत होती है। ये उपदेवी मनुष्य के प्राण को हरण कर लेती है एवं खुद की शक्ति में वृद्धि करती है। फिर उस मासूम का मृत शरीर किसी पत्थर की तरह कठोर में ठंडा हो जाता है। फिर 15वें दिन लाकिनी जो है वो साधक की कोई भी मनोकामना पूर्ण करती है। इसलिए धर्मनिधि आपके आंखों के सामने सब कुछ साफ है। अब आप समझ गए होंगे कि प्रति रात एक नरबलि का कारण क्या है। अब तुम बताओ इस भयानक साधना की पद्धति तुमने कैसे सीखी। यशभद्र थोड़ा हंसा और बोला, प्राज्ञा पारमिता सूत्र नहीं मिला तो क्या हुआ आचार्य, क्या मैं किसी दूसरे पुस्तक तक नहीं पहुंच सकता। इस महाविहार के 3 ग्रंथालय में कहां पर कौन सा प्राचीन पुस्तक में क्या लिखा है, क्या आपको इस बारे में सब कुछ पता है। मुझे माफ कीजिए लेकिन किस पोथी से मैंने इस साधना की प्रक्रिया सीखी ये मैं नहीं बता सकता। यशभद्र की बात समाप्त होते ना होते 2 प्रहारी हड़बड़ाकर कक्ष के अंदर आए। उन्होंने बताया कि द्वितल में एक कक्ष के सामने फिर से एक भिक्षु का मृत शरीर मिला है। ये सुनकर कुछ आचार्य दोनों प्रहरी के साथ द्वितल की ओर रवाना हो गए। गुस्से से सिद्धाचार्य सूर्य वज्र लाल हो गए। कक्ष के अंदर सभी की क्रोधित दृष्टि यशभद्र के ऊपर है। एक बोध सन्यासी भी ऐसा निर्दय व स्वार्थी हो सकता है, आखिर ये कैसे हो सकता है। धर्मनिधि आदेश दीजिए, मैं अभी इस पापी को महाविहार के बाहर भेजने की व्यवस्था करता हूं। ये भिक्षुक यहां पर एक मुहूर्त भी रहने के लायक नहीं है। अब यशभद्र की ओर देखकर मठाधीश बोले, हम सभी बौद्ध धर्म से जुड़े हैं, अहिंसा व संयम के लिए हमें ख्याति प्राप्त है, इसलिए आज तुम इतना तुच्छ अपराध करने के बाद भी सभी के सामने खड़े होकर बात करने का साहस कर पा रहे हो। क्या एक बार के लिए भी तुमने महाविहार के गौरव की बात को नहीं सोचा, क्या तुमने अपने सहपाठियों के बारे में भी एक बार नहीं सोचा जिन्हें तुमने प्रतिदिन एक एक कर बलि चढ़ा दिया। यशभद्र पहले की तरह ही खड़ा रहा, उसके चेहरे पर निर्लज हंसी खेल रही थी। अब मठाधीश पद्मदेव ने तर्जनी को ऊपर उठाया, तर्जनी उंगली अपनी, इसी मुहूर्त इसी गहरे निष्काल में ही तुम इस पवित्र महावीर को त्याग कर महाविहार को त्याग करो एवं अपने साथ ही उस अभिशाप को यहां से लेकर जाओ जिसको तुमने जागृत किया है। तुरंत ही यशभद्र का चेहरा झुलस गया, क्रोध दुख अभिमान सभी अनुभूति एक साथ उसके चेहरे पर दिखाई दिए। कक्ष के अंदर सभी शांत है। अब यशभद्र ने उस छोटे संदूक को अपने सीने से लगाया। फिर कक्ष से वे नालंदा महाविहार को छोड़कर बाहर निकल गया। कक्ष के अंदर का गंभीर परिवेश उस वक्त भी समाप्त नहीं हुआ था। मठाधीश पद्मदेव के कान के पास चेहरा ले जाकर आचार्य सूर्य वज्र ने कुछ बातों को कहा, मूर्ख वे अति मूर्ख है। मुझे ऐसा लगता है कि ये भिक्षुक लाकिनी साधना के बारे में सब कुछ नहीं जानता। ये बहुत ही धूत्र व क्रूर अपदेवी है। इनकी साधना करना मतलब खुद को चोट पहुंचाना। यशभद्र अब कहीं भी जाए लाकिनी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। कुछ समय बाद ही आसपास के गांव में फैल जाएगा कि नालंदा महाविहार से एक भिक्षुक को बड़े अपराध के लिए बहिष्कार किया गया, इसलिए गांव के लोग उसे अपने यहाँ आश्रय नहीं देंगे। केवल आज की रात फिर यशभद्र लाकिनी की बलि कहाँ से लाएगा। किसी और की बलि ना मिलने लाकिनी तब आवाहन करने वाले साधक को ही मार डालती है, उसी की बलि ले लेती है। अब जैसा कि ये सब था 1812 ईस्वी पूर्व में, लेकिन वर्तमान समय मैक्लोडगंज हिमाचल प्रदेश
किसी चित्र की तरह सुंदर है। ये छोटा शहर मैक्लोडगंज, जो धर्मशाला से कुछ ही ऊपर है, कॉलेज की तरफ से पर्यटन भ्रमण में धर्मशाला आया करता। वहां से ही 2 दिन के लिए यहां पर घूमने चला आया। यहां रास्ते पर निकलकर चारों तरफ देखने से ऐसा लगता है कि यह शहर भारत के अंदर नहीं है, तिब्बत के धर्मगुरु स्वयं दलाई लामा का ये वास स्थान है। रास्ते के दोनों तरफ कई सारे तिब्बती रेस्टोरेंट, कई सारे तिब्बती प्रार्थना गृह, वे सभी जगह तिब्बती लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं तिब्बत में ही हूं। इसलिए तिब्बत की राजधानी ल्हासा के अनुसार इसे मिनी ल्हासा भी कहते हैं। कल ही हम सब लौट जाएंगे। इस वक्त सभी होटल में आराम कर रहे हैं, इसलिए अकेले ही पैदल इस शहर को देखने निकल पड़ा। शाम का वक्त है, स्थानीय मार्केट भी खुलना शुरू हो गया है। घर के लिए यहां से कुछ लिया भी नहीं। इसके अलावा यहां पर इतने सारे गिफ्ट शॉप देखकर मेरे एंटी क्यूरियो का शौक उफान मारने लगा है। घूमने के बीच बीच में कई दुकानों के अंदर जाकर इधर उधर देखता रहा। बहुत सारे सुंदर तिब्बती देवी देवते की छोटी मूर्तियां दुकानों के अंदर सजी हुई हैं। इसके अलावा प्रार्थना चक्र, जप यंत्र, थांका चित्र और तिब्बती बोध तांत्रिक द्वारा व्यवहारिक कई प्रकार की वस्तुएं मेरी नजर में पड़ी, लेकिन तिब्बती देवी देव की सुंदर मूर्तियों मुझे ज्यादा लुभा रही हैं। इतना डिटेल्ड और सुशोभित मूर्तियों जल्दी देखने को नहीं मिलती। जिन्होंने भी इन मूर्तियों को बनाया होगा उसकी हस्तकला देखने लायक है, लेकिन कई सारे दुकानों में घूम फिर कर दाम पूछकर समझ आया कि इनमें से कुछ भी लेना मेरे बस की बात नहीं। सामान्य 4-5 इंच की मूर्तियों का दाम सुनकर ही जेब में दर्द होने लगता है। यहाँ पर वस्तुओं का दाम कुछ ज्यादा ही है। एक छोटा सा क्रिस्टल का ब्रेसलेट खरीदने गया, दाम 450। हालांकि वे ब्रेसलेट प्योर क्रिस्टल नहीं था। लूटना इसे ही कहते हैं। एक दुकान से दूसरे दुकान में घूम रहा हूँ। अचानक मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा बहुत देर से पीछा कर रहा है, लेकिन उसका अनुभूति अब हुआ। एक एक दुकान से बाहर निकलते ही मुझे ऐसा लगता कि कोई मेरे पीछे चलते हुए आ रहा है, तथा पीछे देखते ही वे चुप जाता है। हालांकि ये टूरिस्ट सीजन नहीं है, इसलिए रास्ते पर ज्यादा लोग नहीं है। इसके अलावा मैं अकेला ही हूँ। हाथ में एक महंगा घड़ी और जेब में मोबाइल है। जेब में कुछ पैसे भी हैं, अनजान जगह, इसलिए थोड़ा सावधान रहना चाहता। हालांकि ये मेरे मन का वहम भी हो सकता है, लेकिन अगर सचमुच कोई मेरा पीछा कर रहा है तो मेरा होटल में लौट जाना जरूरी है। मार्केट के लगभग लास्ट में आया गया। यहां से एक रास्ता ऊपर की ओर चला गया, वहां से कल ही घूमकर आया। बड़े बड़े पाइन के पेड़ों के पीछे का वे जगह बहुत ही सुनसान है। एक दुकान से बाहर निकलते ही अचानक एक आदमी ने ना जाने किस कोने से मेरे सामने आ टपका। मैं चौंक गया तथा कुछ ही सेकंड में समझ गया कि इसी आदमी ने मेरा पीछा किया था, लेकिन किस उद्देश्य से यह मुझे पता नहीं। तब तक शाम का हल्का अंधेरा चारों तरफ छा चुका था। पहाड़ों पर बहुत ही जल्दी शाम हो जाती है। वे आदमी मुझसे एक हाथ दूर कंधे पर एक झोला व मैला विंड चीटर पहने खड़ा है। स्पष्ट चेहरा नहीं दिख रहा है, लेकिन समझ जा सकता था कि वे स्थानीय आदमी है। मेरे कुछ पूछने से पहले ही उस आदमी ने एक अजीब आवाज में मुझसे पूछा, सब कुछ बहुत महंगा है ना भाई साहब? इस प्रश्न को सुनकर मैं चौंक गया। मैं बोला, मतलब? नहीं, कुछ नहीं, मैं बहुत देर से देख रहा हूं कि आप एक दुकान से दूसरी दुकान केवल घूम रहे हैं, लेकिन कुछ खरीद नहीं रहे। अब परेशान होकर मैंने प्रश्न किया, तो उससे आपको क्या दिक्कत है? रुकिए, मेरे पास कुछ है, क्या आप खरीदना चाहोगे? कोई बात नहीं, एक बार देख तो लीजिए। अब मैं और भी आश्चर्य हुआ, क्या केवल इसलिए इतनी देर से ये आदमी मेरा पीछा कर रहा था? आखिर वे चाहता क्या है? दूसरी तरफ की दुकान से हल्का रोशनी उस आदमी के चेहरे पर पड़ रहा। बहुत ही मासूम चेहरा, दोनों आंखें विचलित, बहुत दिनों की ना बनाया, दाढ़ी मूंछ की रेखा,
शरीर में दरिद्रता स्पष्ट है तथा मानो कि वे आदमी बहुत ही परेशानी में है। मैं बोला, क्या है, जल्दी दिखाओ। उस आदमी के साथ खड़ा रहने में मुझे घुटन सा महसूस हो रहा था। उस आदमी ने अपने कंधे के झोले से कुछ बाहर निकाला और उसे मेरे सामने आगे रख दिया। लाल कपड़े से मुड़ा हुआ कुछ है। मैंने ध्यान दिया कि उस आदमी के आंख जिज्ञासु दृष्टि से मेरी ओर फैला हुआ है। क्या है ये? अब उस आदमी ने लाल कपड़े को खोला। उसमें एक 4-5 इंच का मूर्ति दिखाई दिया। कुछ देर पहले ही दुकानों में जिन मूर्तियों के दाम पूछ रहा था, ये भी उसी तरह का है, लेकिन उनसे बहुत ही ज्यादा सुंदर और प्रोमिनेंट है। अब उस आदमी ने पूछा, पसंद आया? आपको कुछ ऐसा ही वस्तु चाहिए था ना? इसका मतलब है कि मैंने दुकानों के अंदर क्या किया, इस बारे में उस आदमी ने ध्यान दिया है। बहुत ही धुरंधर लगता है। जो भी हो, मूर्ति को सुंदर ना बोलने की कोई वजह ही नहीं है। उस मूर्ति की सुंदरता ने मुझे मोह लिया है। हालांकि मूर्ति के शरीर का हल्का सफेद परत बता रही है कि मूर्ति की उम्र कई 100 साल तो अवश्य होगी, लेकिन मूर्ति का सभी कोना स्पष्ट है। उस आदमी ने मेरी तरफ देखते हुए विनती के स्वर में बोला, ले लीजिए ना साहब, आप जो कीमत अच्छा लगे आप दे दीजिएगा, कोई जबरदस्ती नहीं। उस आदमी को देखकर मुझे थोड़ा कष्ट हुआ। गरीब आदमी है और शायद पैसों की जरूरत है, इसलिए घर की कीमती चीज बेचकर कुछ पैसे पाना चाहता है। मैंने मूर्ति को हाथ में लिया। वे मूर्ति अच्छी खासी भारी थी। उस आदमी ने फिर बोला, पंच धातु का है साहब, ये पाल वंश के समय की मूर्ति है, इसे घर में रखिए, आपका भला होगा। पाल वंश के समय का? वाह, ये तो खजाना है। बौद्ध धर्म के देव देवियों के बारे में मेरा ज्ञान नर्सरी के बच्चे जितना ही है। और ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए उस मूर्ति को ले लिया। इधर उधर करने से कोई लाभ नहीं। दुकानों में जो दाम बता रहे थे वे मेरे जेब से बाहर है। इसी वक्त एक आश्चर्य घटना घटी। मैं अपने पर्स से 300 रुपए के नोट निकालकर उस आदमी के हाथों में देने वाला था कि अचानक मैंने देखा कि वे आदमी मेरे सामने से कुछ दूरी पर जाकर भाग गया। दौड़ते हुए मार्केट को पार कर सामने के बड़े रास्ते से ना जाने कहां गायब हो गया। मैं आश्चर्य से नोट हाथ में पकड़े रखा हूं। आखिर ऐसा क्यों? इतना महंगा एक मूर्ति दिया लेकिन पैसे देते वक्त भाग क्यों गया? कुछ देर ऐसे ही खड़ा रहने के बाद मैंने इस बात को दिमाग से बाहर निकाल दिया। शायद कोई पागल था, उसकी बातें ही पागलों जैसी थी। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। जो भी हो, उसके पागलपन ने मुझे एक जबरदस्त सामान फ्री में मिल गया। इस मूर्ति का वर्तमान बाजार कीमत बहुत ही ज्यादा है। मेरे बेडरूम में ये मूर्ति बहुत ही अच्छी सुशोभित होगी। यही सोचते हुए होटल की तरफ चल पड़ा। होटल में लौटकर इस घटना के बारे में किसी को मैंने नहीं बताया। इतना महंगा एक मूर्ति अगर दोस्तों को इसकी खबर दे दी तो क्या पता कल सुबह उठते ही ये मेरा बैग यहां से गायब कर दे। रात में जब सभी खाने चले गए, तब अकेले कमरे में बैठकर लाल कपड़े को खोल उस मूर्ति को अच्छे से देखा। एक देवी मूर्ति, दिखने में सुंदरता के साथ भयानक भी है। देवी पूरी तरह नग्न नहीं, लेकिन अलंकार से सुशोभित, एक पैर जमीन पर और एक नृत्य मुद्रा में ऊपर उठाकर खड़ी है तथा पैर के नीचे एक बच्चे की तरह कुछ लेटा हुआ है। गले में एक मुंडमाला सुशोभित है। एक हाथ में कटोरी जैसा कुछ पकड़ा है, उसमें से आग जल रही है। दूसरे हाथ में घंटी जैसा जो पकड़ा है, उसे मैंने कुछ देर पहले ही दुकान में देखा था। इसे तिब्बती बोध वज्र कहते हैं। उल्लेखनीय बात यह है कि मूर्ति की 3 सिर हैं तथा तीनों के मुंह से 2 बड़े-बड़े दांत निकले हुए हैं। प्रत्येक के सिर पर एक विशिष्ट मुकुट है तथा उसमें नरमुंड बना हुआ है। मूर्ति को देखकर मन के अंदर भक्ति से ज्यादा डर का संचार होता है, डर लग रहा है। जो भी हो, मैं कौन सा इसे ले जाकर पूजा करूंगा। कमरे के एक कोने में पड़ा रहेगा। अब
उठना होगा, खाने के बाद बहुत सारा काम है। अभी बैग पैकिंग करना है क्योंकि कल लखनऊ लौटना होगा। अब ये सारी बात हुई वर्तमान समय की। अब हम दोबारा से चलेंगे 812 ईस्वी पूर्व। उस तरफ से आसमान सफेद हो रहा है। यशभद्र नालंदा बस्ती से बहुत ही दूर चला आया। नालंदा महाविहार के आसपास के गांव में रुकने का उसने पागलपन नहीं किया। ओदंतपुरी वे विक्रमशिला महाविहार में भी जाकर कोई लाभ नहीं है। वहां पर भी उसे प्रवेश नहीं मिलेगा क्योंकि इन दो महाविहार के साथ नालंदा महाविहार का एक घनिष्ठ प्रेम संबंध है। इसलिए अब यशभद्र की यात्रा उद्देश्यहीन है। कहीं रुकने की एक जगह खोजना ही अब उसके लिए जरूरी कार्य है। अपमान व क्रोध से उसका सिर गर्म हो गया है। बाल्यावस्था से ही नालंदा महाविहार की चार दीवारों के अंदर रहने के कारण इन रास्तों को ये मासूम बोध भिक्षुक नहीं पहचानता। जिस रास्ते पर वे आगे बढ़ रहा है उस रास्ते पर ज्यादा गांव भी नहीं है, इसलिए यशभद्र पूरे दिन केवल चलता जा रहा है। बीच में उसे दो जंगल भी पार करना पड़ा, इसलिए शाम होने तक वे थक चुका है। और कुछ दूर चलने के बाद एक मैदान आया। इस मैदान को पार कर अचानक उसे एक मठ दिखाई दिया। अवलोकितेश्वर की कृपा हुई, वे जल्दी से मठ के पास पहुंचा। एक बोध मठ तथा उसके सामने का पट खुला हुआ है, लेकिन अंदर के पट बंद हो चुके हैं। आसपास देखने पर कई सारे छोटे छोटे प्रार्थना कक्ष दिखाई दिए। आज रात के लिए यशभद्र को यही रुकना होगा तथा सुबह होने पर वे मठ के सन्यासी से यहां रहने के लिए अनुरोध करेगा। एक छोटे से प्रार्थना गृह के अंदर यशभद्र ने प्रवेश किया। क्षुधा व तृष्णा से उसका शरीर सुन्न हो गया है। हालांकि उसने जंगल के एक छोटे से तालाब से जलपान किया था, अगर थोड़ा खाने को कुछ मिल जाता तो अच्छा होता। संदूक को जमीन पर रख उसके ऊपर सिर रखकर यशभद्र लेट गया। थकान के कारण कुछ देर में ही उसकी आंखों में निद्रा उतर आई। आधी रात को किसी अनजाने कारण से यशभद्र की नींद खुल गई। नींद खुलते ही उसे ऐसा लगा कि एक बर्फ के टुकड़े पर उसने अपना सिर रखा हुआ है। तुरंत ही वे उठ बैठा। धातु से बना संदूक कुछ ज्यादा ही शीतल हो गया। इस शीतलता को वे अच्छी तरह जानता है। सब कुछ समझकर यशभद्र की आंखें चौड़ी हो गई। क्षुधा तृष्णा क्रोध व अपमान में वे भूल गया था कि संदूक के अंदर स्वयं लाकिनी है। और वे ये भी भूल गया था कि प्रति रात्रि की तरह आज भी उसे एक ताजा प्राण चाहिए। और इस निर्जन मैदान वे छोटे से प्रार्थना कक्ष में प्राण मतलब वे स्वयं ही। मुहूर्त में ही यश भद्र का पूरा शरीर कांप उठा। आखिर वे अब क्या करें? जिस साधक ने उसे नरक के अंधेरे से बाहर निकाला था, क्या वे उसी को मारेगी? उस पर थोड़ा भी दया प्रदर्शन नहीं करेगी? इस बारे में यशभद्र को कुछ भी नहीं पता, क्योंकि लोभ वश के कारण उसने ये सब जानने की कोशिश भी नहीं की थी। हे अवलोकितेश्वर, कर्म फल मनुष्य को इसी तरह भोगना पड़ता है। भागने की चेष्टा करके कोई लाभ नहीं। वे अच्छी तरह जानता है कि लाकनी उसे पृथ्वी के किसी भी कोने से ढूंढ लेगी। उस संदूक के अंदर मानव प्राण का संचार हुआ है। एक खटखट की आवाज से संदूक का ढक्कन हिलता रहा। वे आ रही है, वे बाहर आ रही है। बैठे बैठे ही यशभद्र पीछे की ओर सरकता रहा। अंत में उसका पीठ दीवार से सट गया। अब अंत में उसे क्या अपने ही फंदे में पैर रखना होगा? अब उसके मन के अंदर तीव्र आतंक के अलावा भी जो अनुभूति ज्यादा हो रही थी वे था खेद। मासूम बोध सन्यासियों को मौत के मुंह में धकेल देने का कीमत अब उसे देना होगा। उसके अंदर लोभ का जो जीवा था वही अब उसे निगल जाएगा। कक्ष की शीतलता अब पहले से बहुत ही ज्यादा है। संदूक का ढक्कन धीरे धीरे खुल रहा है और उसके साथ ही एक
हल्के हरे रंग की रोशनी पूरे कक्ष में फैल रही है। संदूक का ढक्कन पूरा खुल गया। 1, 2, 3 यशभद्र मृत्यु का मुहूर्त गिन रहा है। उसका आश्चर्य से फैला हुआ आंख अब संदूक की ओर है। उसके अंदर से धीरे धीरे कुछ बाहर निकल रहा है। एक हाथ निकला, अब दूसरा हाथ भी निकल रहा है। दोनों निकले हाथ के बड़े बड़े नाखून संदूक को करोच रहे हैं। वे भयानक आवाज मानो यशभद्र के सीने को अभी फाड़ डालेगी। अब धीरे धीरे उसमें से सिर निकल आया। यशभद्र ने आश्चर्यचकित होकर देखा कि एक नहीं, दो नहीं, 3 सिर निकल रहे हैं। एकदम वैसी ही प्रतिरूप जैसी मूर्ति संदूक के अंदर रखी हुई है। 6 आंख अंगारों की तरह जल रहे हैं। संदूक के अंदर से पूरा शरीर अब बाहर निकल आया और धीरे धीरे वे यशभद्र की ओर बैठते रेंगते हुए आगे बढ़ने लगा। तीनों चेहरे पर एक विभत्स भयानक हंसी है। उन 3 जोड़े आंखों की दृष्टि से यशभद्र मानो अभी भस्म हो जाएगा। उसे याद आ गया कि लाकनी जागरण के लिए जिस पोथी की सहायता उसने लिया है उसके अंत के कुछ पृष्ठ नहीं थे। शायद वहां पर लिखा हुआ था कि इसे जगाने की भयानक व्यथा क्या हो सकती है। शायद वहां इसे रोकने का कोई क्रिया भी लिखा हुआ था। उसे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। लोभ, हाँ, लोभ में वे अंधा हो गया था, इसलिए उसने इस नरक की शक्ति को समझने की कोशिश नहीं की और ना ही इस नरक की शक्ति को समझ पाया। डर वे आतंक से यशभद्र की आंख बार बार बंद हो रही थी। मृत्यु आ रही है। कुछ ही देर में एक चिल्लाने की आवाज के साथ सब कुछ शांत हो गया। अब चलते हैं वर्तमान समय में। एक छोटी सी घटना का उल्लेख करना जरूरी है। यह घटना सचमुच बहुत ही छोटी है, लेकिन उस घटना ने राहुल के मन में, यानी कि जिस व्यक्ति को वो मूर्ति मिली थी, वो मूर्ति जिसे मिली उसका नाम राहुल था। अब वो अपने आप ही आपको आगे कहानी बताएगा, लेकिन उस घटना ने मेरे मन में कुछ सवाल पैदा कर दिए। हिमगिरी एक्सप्रेस में लखनऊ लौट रहा, साथ में पूरा कॉलेज का ग्रुप है। ग्रुप की मस्ती व दोस्तों के शोर शराबे में समय कैसे व्यतीत हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। पठानकोट से ट्रेन में चढ़ते वक्त कई सारी बिस्कुट के पैकेट खरीद लिए थे, वही सब मेरे बैग में रखा हुआ है। ट्रेन में चढ़ते ही मुझे बीच बीच में भूख लग जाती है, इसलिए साथ में बिस्कुट ले लिया था। हम सभी अपने अपने बर्थ में बैठकर मस्ती कर रहे हैं। कुछ देर बाद भूख लगते ही ऊपर के बर्थ पर रखे बैग से बिस्कुट के पैकेट निकालते वक्त मैं आश्चर्य हो गया। जैसे ही मैंने बैग के जिप को खोलकर हाथ अंदर डाला, उसी वक्त मुझे ऐसा लगा कि एक रेफ्रिजरेटर को खोलकर डीप फ्रिज के अंदर आइस बॉक्स पर हाथ रखा है। तुरंत ही मैंने अपना हाथ बाहर निकाल लिया। बैग का अंदरूनी हिस्सा किसी बर्फ की तरह ठंडा हो गया है। अप्रैल के महीने में पहाड़ से बहुत देर पहले नीचे उतर आया था। इस गर्मी में बैग के अंदर इतना ठंड बहुत ही विचित्र बात है। शायद मन का कोई वहम हो इसलिए। फिर हाथ डाला, लेकिन नहीं, सचमुच बैग का अंदरूनी हिस्सा बहुत ही ठंडा है। एक पैकेट बिस्कुट निकाल कर नीचे बैठा, पैकेट खोला और उसे पैकेट खोल को देखा तो सभी बिस्कुट गल गए थे। इस अद्भुत घटना की व्याख्या में मैं नहीं कर पाया। बहुत ही सामान्य सी घटना है, लेकिन अपने मन से मैं इसे निकाल नहीं पा रहा। अब राहुल बिल्कुल हैरान था कि आखिर गर्मी में ये बैग का तापमान अंदर से ठंडा कैसे और बिस्कुट क्यों गल गए। ये तो था वर्तमान। अब हम चलते हैं 812 ईस्वी में दोबारा से। छोटे से प्रार्थना कक्ष के सामने 3 लोग खड़े हैं। प्रार्थना कक्ष के अंदर के भयानक दृश्य को देखकर तीनों आतंक से जम गए हैं। तीनों बौद्ध सन्यासी सुबह से मनोरम किरण में भी उनके बलिष्ठ शरीर में डर व आतंक का तरंग दौड़ रहा है। सामने ही एक लगभग सूखा हुआ शरीर पड़ा हुआ है, आंख आश्चर्य से भरा तथा मुंह खुला। मस्तक व पहनावे को
देखकर समझा जा सकता है कि बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। मृत शरीर से कुछ दूरी पर एक संदूक है तथा उसका ढक्कन खुला हुआ है। उन तीनों में उम्र में जो प्रवीण है उसका नाम प्रशांत गुप्त है। उन्होंने ही आतंक की शांति को भंग किया। बाकी दोनों में से एक को इशारा करते हुए बोले, जाकर देखिए तो उस संदूक के अंदर क्या है। संदूक के अंदर से जो वस्तु उन्होंने लाकर प्रशांत के हाथ में दिया, उसे देखते ही उसका पूरा शरीर कांप गया। बाकी दोनों का उस वस्तु के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं था। वे दोनों कौतूहल नजरों से प्रशांत गुप्त की ओर देखते रहे। क्या हुआ आपको बनते, आखिर वे क्या है? प्रशांत गुप्त का होंठ कांप रहा है, ठीक वही जैसे वज्राचार्य से सुना था। ये ठीक उसी तरह की मूर्ति है। ये मूर्ति निगम्मा संप्रदाय की आराध्य एक भयानक अपदेवी है। हिमालय की तराई देशों में बहुत ही गुप्त रूप से इसकी आराधना की जाती है, लेकिन इस देश में भी कोई कर रहा है, ये मैंने पहली बार देखा है। प्रशांत गुप्त के माथे पर बिंदु बिंदु सफेद दिखाई दिया। बाकी दोनों सन्यासी के आंखों में आतंक स्पष्ट है। बनते फिर अब क्या किया जाए? स्वयं वज्राचार्य तो किसी कार्यवश मठ के बाहर गए हैं। हम सभी अवलोकितेश्वरा के उपासक हैं। इस मठ में किसी का क्षति हम होने नहीं देंगे। वज्राचार्य की अनुपस्थिति में इस मठ की रक्षा करने का दायित्व हमारे ऊपर ही है। पहले इस मृत शरीर को शीघ्र से शीघ्र अंतिम संस्कार की व्यवस्था करो, और सावधान, किसी भी सन्यासी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, अन्यथा चारों तरफ आतंक फैल जाएगा। इसके बाद आप दोनों मुझसे पताल कक्ष में रात को मिलेंगे। मैं जितना जानता हूं उसी विद्या का प्रयोग करूंगा। एक विशेष चक्र क्रिया के माध्यम से इस देवी को रोकना होगा, अन्यथा सभी को इसी तरह मृत्यु प्राप्त होगी। अवलोकितेश्वर का विशाल रूप देवता सिंहनाद की आराधना करूंगा, वो ही इस भयानक शक्ति से लड़ सकते हैं। हे अवलोकितेश्वर, आप मुझे शक्ति दीजिए। कहने के बाद हाथ की मुट्ठी में पकड़े जप माला को प्रशांत गुप्त ने अपने माथे पर लगाया। गुप्त पताल कक्ष के अंदर चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ है। पूरे कक्ष में केवल 3 दीपक जल रहे हैं। वे सभी एक बड़े से वृत्त के अंदर बने एक षटभुज आकृति के 3 कोने पर रखा हुआ है। बाकी 3 कोने पर 3 कठोर शरीर बैठा हुआ है। प्रत्येक के हाथ में एक जप माला है जो घूमता जा रहा है, तथा साथ ही मंत्र पाठ भी चल रहा है। वृत्त के एकदम मध्य में संदूक से प्राप्त लाकिनी मूर्ति को रखा गया है। 3 लाख जप समाप्त होने में और कुछ ही समय बाकी है। इसके बाद ही इस भयानक शक्ति का खेल समाप्त हो जाएगा। अचानक ही बंद पाताल कक्ष के अंदर साए साए करता हुआ शीतल हवा इधर से उधर निकल गया। उस हवा ने तीनों के हड्डी को कांपा दिया था। हवा के झोंके से तीनों दीपक बुझ गए और जमीन पर नीले रंग के रेत से बना देवता सिंहनाद का मंडल उड़ गया। किसी अदृश्य शक्ति ने तीनों के हाथों में पकड़े जप माला को छिन भिन कर दिया। चारों तरफ अब केवल अंधेरा और एक भयानक शीतल हवा का झोंका है। धीरे धीरे अंधेरे की जगह में एक हल्के हरे रंग की रोशनी आने लगी थी। पूरे कक्ष में किसी के भयानक हंसी की आवाज सुनाई दे रही थी। तीनों सन्यासी ने आश्चर्य होकर इधर उधर देखा। यहां पर तो कोई भी नहीं है, तो फिर ये हंसी किसकी है? हल्के हरे रंग की रोशनी ने इस अंधेरे को और भी विकराल रूप दे दिया है। अचानक प्रशांत गुप्त की नजर उस मूर्ति की ओर पड़ी। मूर्ति नहीं, अब वहां पर एक नीले रंग का अंधेरा है। उस अंधेरे में एक परछाई बैठा हुआ है। उस परछाई की हाथ पैर सभी साधारण मनुष्य के जैसे, लेकिन केवल सिर साधारण मनुष्य के जैसा नहीं है। एक नहीं,
दो नहीं, तीन उसके सिर हैं और तीन सन्यासी की तरफ तीन जोड़ा आंख प्रबल क्रोध से जल रही है। उन आंखों में सन्यासियों के प्रति हिंसा की ज्वाला धधक रही है। किसी एक अदृश्य शक्ति ने उन तीन बोध सन्यासियों को बांध दिया है, इसलिए भागने के बारे में वे सभी भूल चुके हैं। खड़े होकर वे सभी केवल अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके बाद उन तीन बोध सन्यासियों का मुंह खुल गया तथा हवा की तरह साए साए करके तीनों सिर ने तीन सन्यासियों के प्राण शक्ति को चूसना शुरू कर दिया। रक्त मांस सब कुछ धीरे धीरे चूस कर अब केवल सन्यासियों का नीला शरीर दिखने लगा था। वो तीनों लाकनी को रोकने में असफल रहे। कुछ देर में ही तीन शरीर तीन तरफ छिटक कर जमीन पर गिर पड़े। अब तीन सिर वाला शरीर उठ खड़ा हुआ। इसके बाद वृत्त के मध्य में रखे पंच धातु की मूर्ति को उठा लिया। फिर मूर्ति के साथ वे ना जाने कहां गायब हो गई। मठ के बाकी सन्यासी जान भी नहीं पाए कि गुप्त पाताल कक्ष में इन तीन मासूम सन्यासियों के साथ क्या हुआ। अब चलते हैं वर्तमान समय में, लखनऊ। इतने दिनों के ट्रिप के बाद केवल एक को छोड़ लगभग सभी मेरे घर आने और मुझसे मिलकर खुश हैं, यानी कि राहुल के। इस वक्त दोपहर का समय है। मैं लंच करके अपने रूम में लेटा हुआ हूँ। मैं सुबह आया हूँ लेकिन वे अभी तक मुझसे मिलने नहीं आया। हालांकि सुबह मेन गेट खोलकर अंदर आते ही वे मुझ पर कूद पड़ा था। मेरे आने से वे बहुत ही खुश है, ये मैं समझ चुका था, लेकिन केवल उतना ही। इसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं। बात कर रहा हूं रॉकेट की। वे मेरा एकमात्र पालतू ढोग है। मेरे कमरे में वे पूरा दिन लेटा रहता, लेकिन आज वे एक बार के लिए भी मेरे कमरे में नहीं आया। ये बात मुझे बहुत ही अजीब लगी। इससे भी आश्चर्य की बात है कि मेरे कमरे के बाहर उसे कई बार इधर उधर घूमते देखा और कई बार बुलाया, लेकिन वे नहीं आया। ऐसा तो वे कभी नहीं करता। मैं तो पहले भी कई बार बाहर घूमने गया, लेकिन घर लौटने के बाद उसने कभी ऐसा व्यवहार नहीं दिखाया। मैं बिस्तर पर लेटकर ही मैक्लोडगंज के उस अद्भुत आदमी के पास से मिले पंच धातु की मूर्ति को इधर उधर से देख रहा था। कुछ देर देखने के बाद उसे मेरे कमरे के एक जगह पर रख दिया। वहां मूर्ति बहुत ही जच रही थी। उसी वक्त दरवाजे के पास एक कूं कूं की आवाज सुनाई दिया। रॉकेट ना जाने कब से दरवाजे के पास खड़ा है। मैंने उसे नहीं बुलाया क्योंकि कमरे के अंदर वे आज आएगा ही नहीं, केवल दरवाजे के पास खड़ा होकर पूंछ ही लाता रहा। अब मैं बिस्तर से उठकर दरवाजे के पास गया। मैं उसे गोद में उठाने ही वाला था कि मुझे आश्चर्य करते हुए वे जोर जोर से रोने लगा, जैसे कुत्ते रोते हैं। प्रिय पशु के ऐसे आचरण से मैं थोड़ा चिंतित हुआ। उसे गोद में उठाकर कमरे में एक कदम अंदर जाते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया और वे गुर्राने लगा। उसे कमरे के अंदर ले आया, लेकिन वे ऐसे छटपटा रहा था मानो अभी मेरे चंगुल से भागना चाहता है। भौंकते हुए उसका चेहरा कमरे के एक तरफ ही है। क्या देखकर वे ऐसा कर रहा है मुझे समझ नहीं आया। अचानक रॉकेट ने एक आश्चर्यजनक कार्य कर दिया। उसके गुस्से को कम करने के लिए मैंने जैसे ही उसके सिर पर हाथ रखा, उसने मेरे हाथ को काट लिया और गोद से कूद कर दौड़ते हुए कमरे से बाहर निकल गया। मैं तो हैरान। बहुत बड़ा घाव नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मेरे हाथ खून से लथपथ थे। रॉकेट ने मुझे काटा, ये मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। काटने की बात दूर है, आज तक उसने मुझे अपना दांत भी नहीं दिखाया था। इस घटना ने मेरे दिमाग को सोचने पर मजबूर कर दिया। जो भी हो, लेकिन अभी असली घटना आगे घटने वाली थी, बहुत ही भयानक। रात को छोटी छोटी घटनाएं मेरे साथ हुई। ट्रेन जर्नी करने के कारण ठीक से नींद नहीं लिया था, इसलिए उस दिन जल्दी सो गया था। एक दिन में मेरा रात कवर हो जाता है, लेकिन उस दिन ना जाने क्यों आधी रात को मेरा नींद टूट गया। मुझे ऐसा लगा कि बाथरूम जाना जरूरी है। बिस्तर से उठते ही
मेरा हाथ पैर सिकुड़ गया क्योंकि कमरे में बहुत ही ज्यादा ठंडी थी। मेरे रूम में एसी नहीं लगा है, ऊपर का फैन घूम रहा है, लेकिन ऐसा लगा कि मानो किसी ने कमरे में बहुत सारा बर्फ डाल दिया है। क्या हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं बिस्तर छोड़कर उठ खड़ा हुआ और कांपते कांपते बाथरूम की ओर गया। बाथरूम मेरे कमरे से बाहर है। आश्चर्य की बात यह है कि यह ठंडी हवा का कंपन मेरे कमरे से बाहर नीचे के कमरे तक फैला हुआ है। एक खिड़की को खोलकर बाहर की ओर देखा, लेकिन बाहर बरसात नहीं हुआ था। आसमान में साफ साफ चांद दिख रहा है। अचानक ही हमारे आंगन के पास वाले एक पेड़ पर एक कौवा चिल्लाने लगा। पहले एक, फिर धीरे धीरे लगभग 10-15 कौवे तेजी से कांव कांव कर घर के चारों तरफ के परिवेश को डरावना बना रहे थे। आधी रात को कौवे ज्यादा नहीं, पर मैं इतना जानता हूं कि रात को कौवा का चिल्लाना जो है वो अशुभ होता है। आधी रात को अकेला खड़ा होकर 10-15 कौओं को सुनना कितना भयानक है, ये वर्णन करके नहीं समझाया जा सकता। ज्यादा देर मैं वहां पर खड़ा नहीं रह सका और सीधे बाथरूम के अंदर जाकर दरवाजे को बंद कर दिया। कुछ देर बाद ही कांव कांव शांत हो गई। बाथरूम से निकलकर देखा तो फिर से सब कुछ पहले ही जैसा था। ठंड कहाँ है, अब तो माथे पर पसीना भी निकलने लगा था। एक बार मुझे लगा कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, लेकिन कुछ देर पहले ही मैंने अनुभव किया था उस ठंड ने मेरी हड्डी तक को कंपा दिया था। नींद में लोग कई सारी चीजें देखते हैं या सुनते हैं। अब मुझे इतना तो पता था कि कुछ देखते भी हैं, कुछ सुनते भी हैं, लेकिन क्या कुछ गलत भी अनुभव करते हैं, क्या पता। अब बाथरूम से लौटकर बिस्तर पर लेटते ही नींद तो नहीं आई। इधर उधर करके ही कुछ समय बीत गया। कमरे के अंदर की ठंडी और कौवे की आवाज को मैं अपने मन से निकाल ही नहीं पा रहा था। एक हल्का घुटन आंखों को बंद होने नहीं दे रहा था। बिस्तर पर कुछ देर इधर उधर करने के बाद अचानक से ऐसा लगा कि इस कमरे में मेरे अलावा भी दूसरा कोई उपस्थित है। उसके सांस की आवाज और पैरों की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन यहां कोई तो है। सिक्स सेंस द्वारा उसे अच्छी तरह अनुभव किया जा सकता है। मैं एक तरफ आंख बंद करके लेटा हुआ हूं। मुझे ऐसा लगा कि मेरे ठीक पीछे कोई आकर खड़ा है और वे मुझे ही देख रहा है और शायद बहुत धीरे धीरे हंस भी रहा है। आंख बंद करके भी मानो मैं उसकी क्रियाएं को अनुभव कर सकता था। धीरे धीरे मैंने अपने आंख को खोला। मैं कमरे को पूरी तरह अंधेरा करके नहीं सोता, इसलिए कम वोट का एक लाइट जल रहा है, लेकिन उसका रंग हरा तो नहीं है। फिर पूरा कमरा क्यों इस हल्के हरे रंग की रोशनी से भरा हुआ है। और ठीक उसके बाद ही जो मैंने स्पष्ट देखा वे है मेरा ठीक सामने ही दीवार पर एक परछाई। वो परछाई हिल डोल रही थी। वे परछाई इस हल्के हरे रंग में धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा। हाथ पैर हिलाकर वे विकृत रूप से मुद्रा रहा था और उसका सिर शरीर की तुलना में बहुत बड़ा था। नहीं, गलत, एक नहीं, उसके जगह तीन सिर हैं, इसलिए इतना बड़ा दिखाई दे रहा। अकेले कमरे में लेटकर वैसी विकृत व डरावनी परछाई देख शरीर में जो अनुभूति होती है वे समझाई नहीं जा सकती। डर से आंख बंद कर लिया। सीने से दिल धक धक कर मानो अभी बाहर आ जाएगा। मुझे तुरंत ही याद आया कि इस प्रकार का कुछ वस्तु मैंने देखा, लेकिन उस वक्त डर और आतंक से याद नहीं आ रहा था। सिक्स सेंस फिर सचेत हुआ। कमरे के अंदर हल्का एक चलने की आवाज, वे आवाज धीरे धीरे कमरे से बाहर की ओर खत्म होता जा रहा। मैं कुछ देर आंख बंद कर उसी तरह लेटा रहा, फिर धीरे से अपने आंख को खोला, लेकिन अब कमरे में कोई हरा रोशनी नहीं है। दीवार पर दिख रही वे विकृत परछाई भी अब गायब है। मैंने क्या देखा, फिर से हलुसिनेशन, लेकिन क्या हलुसिनेशन, क्या इतना स्पष्ट होता है। दिमाग की ऐसी अवस्था होने पर भी ना जाने क्यों तुरंत ही मुझे नींद आने लगी। नींद आने के ठीक पहले ही मुझे सुनाई दिया कि नीचे के कमरे से रोकट के भौंकने की आवाज आ रही। रात को कभी कभी चूहा या कुछ और देखने पर
रॉकेट ऐसा करता है। धीरे धीरे मैं नींद में खो गया। सुबह बहुत ही बुरी तरह नींद खुली। नीचे से माँ के चिल्लाने की आवाज सुन मैं हड़बड़ा उठा। बेटा जल्दी से नीचे आ। सीढ़ी से नीचे उतरते वक्त मैंने दृश्य को देख लिया था और वे दृश्य देख बाकी बची सीढ़ी उतर नहीं सका। मैं वहीं बैठ गया था। सीढ़ी के नीचे वाला कमरे के सामने ही मेरा रॉकेट चार हाथ पैर फैलाकर पड़ा हुआ है। उसके शरीर में उस वक्त जान नहीं है। दोनों आंखें बाहर की ओर निकली है, मुंह खुला तथा जीभ बाहर निकल गया है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि उसका शरीर सूख गया है। किसी ने मानो उसके अंदर से खून व मांस को चूसकर केवल चमड़ा और हड्डी का शरीर फेंक दिया है। सुबह नींद से उठते ही वे भयंकर दृश्य मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने तुरंत ही उल्टी कर दिया। उसके बाद फिर मुझे क्या याद नहीं आया, कुछ याद नहीं क्या हुआ। मैं शोक में खो गया। बाकी सुबह कैसे बीता ये भी याद नहीं। दोपहर को घर के सामने ही रॉकेट को कब्र में दफना दिया गया। दुख व आतंक से मैं किसी पत्थर की तरह हो गया। रात की घटना मुझे स्पष्ट रूप से याद है और आज सुबह उठकर ये दृश्य। मैं समझ गया कि घर के अंदर किसी कारणवश कुछ तो परिवर्तन हो रहा है, कुछ गड़बड़ है जो मुझे पता नहीं चल रहा। इन सभी घटनाओं का एक लिंक है, लेकिन किसके साथ यही मुझे समझ नहीं आ रहा। दोपहर में लेट कर कल से हो रही सभी घटनाओं को एक एक कर मिलाने की कोशिश किया। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि कल रात की घटना और रॉकेट की मृत्यु सब कुछ में एक लिंक है। दीवार के एक तरफ सोचते हुए देखा रहा था मैं। वहां पर एक जगह मेरे द्वारा लाए गए मूर्ति पर नजर पड़ते ही मैं चौंक गया तथा उसी वक्त मेरा पूरा शरीर ठंडा हो गया। यही, हाँ, इसी प्रकार की परछाई को मैंने कल रात देखा था, तीन सिर वाला वे परछाई। और ये भी याद आया कि नींद आने से पहले मैंने रॉकेट के भौंकने की आवाज सुनी थी। उस वक्त समझ नहीं पाया था कि क्या देखकर वे भौंक रहा है। मेरे दिमाग में कई बातें दौड़ने लगी। तो क्या इन सभी घटनाओं के पीछे इस मूर्ति का संबंध है? इसके अलावा मेरे मन में ये बात भी घूम रही थी कि इस मूर्ति को घर में लाने के एक दिन के अंदर ही कई सारी हैरानी वाली घटना होने लगी थी। क्या ये मूर्ति अभी शापित है? तो याद आया कि घर लौटने से पहले मैकलोडगंज के मार्केट में उस आदमी ने कैसा अद्भुत आचरण किया था। मूर्ति को मेरे हाथ में देते ही वे भाग क्यों गया था? मनुष्य ऐसा तभी करता है जब वे किसी खराब चीज को किसी दूसरे पर थोप कर उससे छुटकारा पाना चाहता। एक पंच धातु की इतनी महंगी मूर्ति कोई फ्री में क्यों देगा? सोचने से बहुत सारी बातें सामने आती है। बहुत सारे प्रश्न मन में है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। कल रात को मुझे बहुत ही तेज ठंड लग रही थी। याद आया कि घर लौटते वक्त ट्रेन में भी बैग के अंदर इसी तरह का ठंड मैंने में अनुभव किया था। मेरे बैग के अंदर उस वक्त भी ये मूर्ति थी। मेरे कमरे के अंदर भी अब वही मूर्ति है। तो क्या मेरा अंदाजा सही है? मूर्ति के साथ इन सभी घटनाओं का संबंध है, लेकिन क्यों? ये सवाल बार बार राहुल के मन में चल रहा था। पंच धातु की एक सरल सुंदर मूर्ति के अंदर आखिर ऐसा क्या? कुछ देर बाद ही मेरे मन ने मुझे समझाया कि ऐसा हो भी सकता है, सब कुछ मेरे अच्छे के लिए ही हो। ऐसा नहीं भी हो सकता, शायद इस मूर्ति के अंदर कोई अभिशाप हो सकता है। मैं ही पागल था कि इस मूर्ति को उस आदमी से ले लिया। ये सब कुछ मुझे उस वक्त सोचना चाहिए था। उस वक्त एक बार के लिए भी मैंने इन सब बातों को नहीं सोचा। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं किसी दूसरे के हाथ में ये मूर्ति दे दूं? ठीक वैसे ही जैसे मैकलोडगंज में उस आदमी ने मेरे हाथ में ये मूर्ति दे दी थी। लेकिन किस शत्रु को मैं ये मूर्ति दूं? उसके जीवन में भी यह अभिशाप उतर सकता है। मेरी धारणा अगर सही हुई तो ये बहुत ही अभिशाप्त वस्तु है। जिसके पास ये मूर्ति रहेगी उसके साथ भी मेरी तरह घटनाएं होंगी तथा घर में एक या एक से अधिक मृत्यु भी होगी। नहीं, जानबूझकर मैं ये पाप नहीं कर सकता,
लेकिन अगर ये वस्तु मेरे घर में रही तो मुझे झेलना होगा। शायद रात होते ही वे फिर जाग जाएगी और फिर रॉकेट की तरह किसी और को भी। मैंने ही इसे लाया है और मैं ही इसकी कुछ व्यवस्था करूंगा। बहुत सोचकर ठीक किया कि इस मूर्ति को कहीं फेंक दूंगा। आसपास कहीं फेंका नहीं जा सकता, इसे सीधा गोमती में विसर्जन करके आऊंगा। लेकिन क्या इससे पूर्ण समाधान हो जाएगा? देखते हैं, एक बार कोशिश ही कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं दोस्तों लाकिनी के भाग दूसरे में। क्या राहुल लाकिनी से बच पाएगा? देखेंगे लाकिनी के भाग दूसरे में। तब तक के लिए सबका धन्यवाद।